दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह एक अहम खबर के साथ INCTV पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वो खबर जुड़ी है उस चुनाव आयोग से जिस पर अपने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। मौजूदा मोदी सरकार अब उस चुनाव आयोग को भी अपनी कठपुतली बनाने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार ने राज्यसभा में चुनाव आयोग से जुड़ा बिल पेश किया। इस बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस बिल के मुताबिक चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति का फैसला 3 सदस्यों की एक समिति करेगी और उस समिति में कौन होगा, गौर से सुनिएगा। देश के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के एक मंत्री और लोकसभा के नेता विपक्ष। 3 सदस्यों की कमेटी में 2 सदस्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री एक पाले के होंगे, दूसरे पाले में होंगे 1 सदस्य लोकसभा के नेता विपक्ष। मतलब रिजल्ट 2-1 आना तय है। किसी भी सूरत में चुनाव आयोग से जुड़ी नियुक्ति का अंतिम फैसला सरकार के हाथ में होगा। मोदी सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए उठाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक कमेटी करेगी जिसमें सदस्य होंगे प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए जरूरी कदम उठाए थे, लेकिन मोदी सरकार को ये मंजूर नहीं था। वो जिस तरह से देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए बना रही है, उसी तरह वो चुनाव आयोग को भी अपने इशारे पर ना अपनी तरह से संस्था बनाना चाह रही है। उसकी इसी चाहत का नतीजा है राज्यसभा में पेश किया उसका बिल। अपने बिल में मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दिया है, उनकी जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को बैठा दिया है। अब इस बिल के पास होने के बाद चुनाव आयोग भी ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी संस्था जैसी हो जाएगी जो खुलकर सरकार के लिए काम करती है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ED, CBI और IT जैसी केंद्रीय संस्थाओं ने जिस तरह से राज्य सरकारों को गिराने और बनाने का काम किया, वो देश की जनता के सामने है और ये छुपा भी नहीं है। किस तरह से वो विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेती हैं ये एजेंसियां, और विपक्षी नेताओं के BJP में शामिल होते ही किस तरह से वो उन लोगों को क्लीन चिट दे देती है, इसके बारे में अलग से कुछ कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है एक सुर से मोदी सरकार के इस बिल का विरोध करने की, क्योंकि अगर ये जो बिल है वो कानून का शक्ल अख्तियार कर लेगा तो फिर लोकतंत्र की ये गारंटी देने वाली एक संवैधानिक संस्था BJP की B टीम बनकर रह जाएगी। नमस्कार।